राइट right? दूसरी साइड यहाँ पे लिखते हैं नॉन मेटल्स ठीक है और यहाँ पे अब हम लोग डिफरेंसेस लिखते हैं ठीक है तो बेसिकली जो मेरा मेटल्स का है ये रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन जो मेरा मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करता है एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड ठीक है तो मेटल फॉर्म कर क्या करता है बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से फॉर एग्जाम्पल एन ए प्लस क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गया अब ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करे दैट मीन्स की इट टर्न्स रेड लिथमस ब्लू बेसिक ऑक्साइड है तो क्या करेगा रेड लिथमस को ब्लू में टर्न करेगा वही जो नॉन मेटल है ये भी रिएक्ट किससे करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड राइट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है फॉर एग्जाम्पल सी प्लस ओ टू ये क्या बन जाएगा सीओ टू फॉर्म करेगा और सीओ टू क्या है एसिडिक ऑक्साइड अब एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करे दैट मीन्स की इट टर्न ब्लू लिथमस रेड ठीक है तो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हुआ ये क्या करेगा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा बिकॉज क्या है ये एसिडिक ऑक्साइड है ठीक है अगर मैं दूसरे डिफरेंस की यहाँ पे बात करूं तो मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स जो मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रो है आर जनरली आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड मीन्स इसमें क्या होता है आयनिक राइट right? वहीं अगर मैं इसमें बात करूं नॉन मेटल्स में तो एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर मीन्स इसमें क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसलिए क्या होता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है ठीक है तो ये बेसिकली नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बेसिस पे क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर